हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 2 एनसीईआरटी एक्सरसाइज को सोल्व करने वाले हैं। और आपको पता है कि जब हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं तो केवल क्वेश्चन ही सोल्व नहीं करते हैं, उसके पीछे जो कंसेप्ट है उसको भी सोल्व करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इन क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको जो कंसेप्ट है सारे वो भी क्लियर होंगे, और साथ साथ में जो थ्योरी की पॉइंट्स हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, उनको भी मैं साथ साथ डिस्कस करते चला जाऊँगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन इसके अंदर है एनसीईआरटी एक्सरसाइज में, फर्स्ट क्वेश्चन है ए स्टोरेज बैटरी। आप ऐसा करें कि जैसे अब इनको सोल्व करते हैं तो साथ में अपनी एनसीईआरटी बुक और जो आपकी नोटबुक है उसको साथ रख लें, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं तो साथ में आप उस क्वेश्चन को पढ़ते चले जाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप ऑब्वियसली समझ में अच्छे से आएगा और फिर सॉल्यूशन को भी आप अच्छे से कर पाएंगे। ओके, तो बुक अपनी साथ में रखिए और साथ साथ पढ़ते चले जाएं। देखो, पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, स्टोरेज बैटरी ऑफ कार हैज एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट। तो कार की बैटरी का जो ईएमएफ है, ईएमएफ ई इज इक्वल टू, वो कितना है, 12 वोल्ट है। इफ़ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.4 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, स्मॉल आर से जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो, वो है 0.4 ओम। What is the maximum current that can be drawn from the battery? I maximum कितना होगा वो हमें पता करना है। देखिए, जो भी सर्किट होता है जनरली उस सर्किट को आप इस प्रकार से लिखते हो, जैसे ये आपके पास बैटरी हुई या सेल हुआ, जो भी है, यहाँ पे बैटरी दे रखी है तो बैटरी का सिंबल ये होता है। बैटरी के अंदर दो से ज़्यादा सेल होते हैं, ये जो सिंबल है ये एक सेल का सिंबल है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, उसके साथ अगर आप और सेल ऐड कर देंगे तो वो बैटरी बन जाएगी। तो ये मैंने दो कनेक्ट कर दिए तो ये बैटरी बन गई। अब क्या बोलता है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 ओम है, तो ये हम यहाँ पे इसके बैटरी के साथ जो भी एक रेजिस्टेंस आपको किसी भी सर्किट में आगे मिलेगा तो आप उसको कंसिडर करके चलना कि वो आपका क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है किसका, बैटरी का। ओके, अब देखो, इसको अगर आप किसी भी सर्किट में कनेक्ट करते हो तो वहाँ पर एटलीस्ट कोई ना कोई रेजिस्टेंस होता है, कोई ना कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सर्किट में होता है। ओके, अब यहाँ से अगर आप करंट निकालेंगे आई, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, ओम्स लॉ से निकालते हैं, है ना, ओम्स लॉ से निकालेंगे तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। तो सर्किट में आप देखोगे बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है, तो मतलब टोटल रेजिस्टेंस हो गया आर प्लस आर। ओके, ये हुआ, ये करंट होता है। अब अपने क्वेश्चन पर ध्यान देना, उस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमें मैक्सिमम करंट बताना है कितना होगा। आप देख रहे हो करंट आई इज इक्वल टू होता है ई डिवाइड बाई आर प्लस आर। अब क्योंकि सेल है आपके पास, बैटरी है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, गिवन है, इसका मतलब ये जो आई है वो वेरी करता है इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ, और आई मैक्सिमम होने के लिए फॉर आई मैक्सिमम आर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर आर जीरो होगा तो आई क्या रहेगा, मैक्सिमम। उस केस में आपके पास जो आई मैक्सिमम आएगा वो क्या हो जाएगा, ए डिवाइडेड बाई इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो ये कंडीशन भी ध्यान रखना, किसी भी सेल से अगर आपको मैक्सिमम करंट ड्रॉन करना है यहाँ से इस प्रकार से सर्किट में, जो मैक्सिमम करंट वो देगा, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर जीरो हो जाएगा तो वहाँ से जो बैटरी है उससे सर्किट में हमें मैक्सिमम करंट मिलने वाला है। क्योंकि आपको पता है कि देखो ओम्स लॉ में आपने क्या पढ़ा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, I, और V इज इक्वल टू I इंटू R, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ओके, एंड I इज इक्वल टू क्या हुआ, V डिवाइडेड बाई R। इसका मतलब जो I होता है करंट, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा करंट उतना ही कम होगा, रेजिस्टेंस जितना कम होगा करंट उतना ही ज़्यादा होगा। ओके, तो यहाँ से आपने देखा ये टोटल रेजिस्टेंस था, अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो करंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और यहाँ से अगर आप इसको जीरो कर देंगे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जीरो कर देंगे, तो करंट आपके पास मैक्सिमम आ जाएगा, दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 3.2 ए बैटरी ऑफ, मैं इसको साफ करता हूँ तब तक आप पढ़ो, इसको क्लियर कर देता हूँ इसको मैं, आप तब तक अगला क्वेश्चन पढ़ें। क्वेश्चन की स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में भी आएगा। कई बार क्या होता है बच्चों को कि स्टेटमेंट समझ में नहीं आती, और अगर उनको स्टेटमेंट बता दी जाए तो आंसर वो इजीली बता देते हैं, ठीक है। तो ये समस्या आपके साथ नहीं होनी चाहिए, स्टेटमेंट को आप अच्छे से पढ़ें। क्या लिखा है, ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम। लिख लेते हैं, बैटरी का ईएमएफ ई है वो कितना है, 10 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है वो कितना है, 3 ओम है।
इज कनेक्टेड टू ए रजिस्टर, एक रजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है, आर इज इक्वल टू, इफ द करंट इन द सर्किट इज, रजिस्टेंस हमें गिवन नहीं है, सर्किट का करंट गिवन है आई इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, मतलब ये रजिस्टर का रेजिस्टेंस पूछ लिया आपसे, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड, और इस बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज भी बताना है, मतलब हमें क्या बताना है, वी भी बताना है कितना होगा। तो सबसे पहले आप अगर यहां देखेंगे, करंट गिवन है आपके पास, करंट गिवन है, इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है, ई गिवन है, जैसा कि आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि I जो होगा वो होगा EMF डिवाइडेड बाई इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। यहाँ से आपके पास I की वैल्यू गिवन है 0.5, E की वैल्यू गिवन है 10 वोल्ट, R की वैल्यू गिवन है 3, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको यहाँ से कैलकुलेट करनी है। यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे रिजल्ट आ जाएगा, मैं कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ओके, पहला पार्टी आपके पास हो गया। पार्ट नंबर टू में पूछता है बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज बताइए, क्या पूछा है, बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज बताइए। तो देखिए यहाँ पे एक कंसेप्ट अब आपको बता रहा हूँ, अगर बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, इसको याद करके रखना क्योंकि कई जगह काम आने वाला है, बैटरी क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है, डिस्चार्ज होने का मतलब है करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, बैटरी से हम करंट ले रहे हैं, उस केस में रिलेशन होता है वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, वेयर वी इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी, ई इज द ईएमएफ ऑफ द बैटरी, आई इज द करंट इन द सर्किट और द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, एंड आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। यहाँ कई बच्चे गलती कर देते हैं, इस स्मॉल आर को वो कैपिटल आर लिख देते हैं, है ना, ध्यान रखना कैपिटल आर जो होता है वो जनरली हम लेते हैं सेल का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और जो स्मॉल आर होता है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, तो ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर वेन बैटरी इज डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग का मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार से मान लीजिए आपके पास ये एक बैटरी है और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, इस प्रकार से सर्किट में कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है और इस बैटरी में से करंट जो है वो लिया जा रहा है, करंट मतलब माइनस से किधर जा रहा है, प्लस की तरफ जा रहा है, इस प्रकार से करंट जा रहा है, तो ये बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, और जब ये डिस्चार्ज होती है तो रिलेशन होता है V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। दूसरा केस होता है व्हेन बैटरी चार्जिंग, अगर बैटरी चार्ज हो रही है, चार्ज होने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए आपके पास ये बैटरी है, इसका वोल्टेज मान लेता हूँ मैं कुछ भी E1 मान लिया मैंने EMF इसका, और इसको मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया एक दूसरी बैटरी के साथ, सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस केस में आप क्या देखोगे, ये हो गया आपके पास E2, अगर चार्ज हो रही है ये बैटरी तो इसका मतलब इसका EMF इससे ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ E2 इज ग्रेटर देन क्या है E1 है। सपोज करो ये 8 वोल्ट की है और ये जो है ये 24 वोल्ट की है, इस प्रकार से चल रहा है, तो इसका मतलब इसका करंट इधर आएगा, इसका करंट किधर जाएगा, इधर जाएगा, इसका मतलब ये नेट इफेक्टिव किधर होगा, ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है ना, दोनों का जो करंट है वो एनकाउंटर होगा, तो ज़्यादा करंट किसका है, इसका करंट ज़्यादा है, तो इसका करंट इसके अंदर जाएगा। तो इस केस में यहाँ पे नेट जो करंट की डायरेक्शन होगी वो कुछ इस प्रकार से होने वाली है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो इस बैटरी के अंदर करंट पॉजिटिव साइड में एंटर कर रहा है, क्या हो रहा है, करंट पॉजिटिव साइड में एंटर कर रहा है, इसमें देखोगे पॉजिटिव से लीव हो रहा था, यहाँ पॉजिटिव में एंटर कर रहा है, अगर करंट पॉजिटिव में एंटर कर रहा है इसका मतलब वो बैटरी चार्ज हो रही है, और उस दौरान उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बैटरी के एंड्स का, इसका और इसका, वो होता है E+IR। और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि क्या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से ज़्यादा हो सकता है, तो आप अगर यहाँ देखेंगे V, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, ये EMF है, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, इस केस में अगर आप देखोगे तो V लेस देन E है, इस केस में क्या है V इज लेस देन E, क्यों, क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, और जब बैटरी चार्ज होती है तो ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ द बैटरी V ग्रेटर देन क्या होता है E होता है। ओके, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पे इस केस में हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है बिकॉज करंट ऑफ 0.5 एम्पीयर इज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, सो इन दिस केस फॉर्मूला ऑफ V इज इक्वल टू ई माइनस आई इंटू आर, एंड E इज इक्वल टू 10 वोल्ट,
माइनस I इज इक्वल टू 0.5 और इंटू आर, आर इज इक्वल टू 3, तो आगे हो गया 10 माइनस 1. कितना हो गया 5. ये आपके पास कितना आ जाएगा, इतना ये पोटेंशियल डिफरेंस इसका आ जाएगा. इन दोनों को आप ध्यान रखना, ठीक है ना. जब बैटरी चार्ज होगी तो ये और डिस्चार्ज होगी तो ये. आप नेक्स्ट क्वेश्चन के स्टेटमेंट को रीड करें. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. 3 रेजिस्टेंस 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज. व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन. सीरीज में है तो देखो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. जब रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं तो ये होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन. और जब पैरेलल होता है तो 1/RP इज इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/3 एंड सो ऑन. ध्यान रखना, जब आप कैपेसिटर पढ़ा था आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैपेसिटर पढ़ते हैं तो कैपेसिटर में क्या होता है, जो CS का रिजल्ट होता है 1/CS, वो होता है 1/C1 प्लस 1/C2 एंड सो ऑन. और उसका जो CP होता है वो आपके पास आता है C1 प्लस C2 प्लस C3. तो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस जब आप निकालते हो सीरीज और पैरेलल में तो इनके जो रिजल्ट उल्टे होते हैं एक दूसरे के साथ. तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है. जो रेजिस्टेंस का सीरीज का रिजल्ट आता है वो कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का पैरेलल का रिजल्ट आता है, और जो इसके पैरेलल का रिजल्ट है वो इसके किसका रिजल्ट है, सीरीज का है. ओके, इस बात को आप ध्यान करके रखेंगे. तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम कनेक्टेड इन सीरीज है. तो सीरीज में आपको पता है सभी के सभी ऐड हो जाते हैं, तो 1 और 1, 2, 3 एंड 3, 6, तो 6 ओम हो जाएगा इसका. इफ द कम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट एंड नेगलिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर. देखिए इसको ध्यान से देखना आप. ये 1 ओम था, 2 ओम है, 3 ओम है, और बोलता है इसको एक बैटरी के साथ जोड़ देते हैं हम जिसका EMF है कितना है, 12 वोल्ट है. EMF कितना है, 12 वोल्ट है इसका. हमें क्या बताना है, ईच सेल का हमें बताना है पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इसका कितना और इसका कितना होगा. ठीक है, अब देखो जब सीरीज में जोड़ते हैं, सीरीज कम्बिनेशन क्या होता है आपको उस बात का जब हमने डेरिवेशन किया था आपने अच्छे से पढ़ा भी होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ, टेंशन की कोई बात नहीं है. आप साथ साथ अब भी मतलब इसका जो कॉन्सेप्ट है ना वो आपका क्लियर हो जाएगा. देखिए क्या बात है, जब सीरीज होती है क्या होता है, जब सीरीज कम्बिनेशन के अंदर ईच रेजिस्टेंस का करंट आई जो होता है वो सेम होता है, सभी का करंट, इसका करंट, इसका करंट और इसका करंट, सबका करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा. और वी पोटेंशियल डिफरेंस सभी का क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा. तो ऐसा कोई भी कम्बिनेशन जिसमें जो नंबर ऑफ रजिस्टर्स आपके पास जुड़े हुए हैं या नंबर ऑफ डिवाइसेज आपके पास जुड़े हुए हैं और सभी का पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, करंट सभी में सेम है, देन दैट कम्बिनेशन इज सीरीज कम्बिनेशन. एंड दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सीरीज कम्बिनेशन. सीरीज का मतलब ये नहीं है कि एक लाइन के अंदर ही मिलेंगे आपको, सीरीज ऐसे भी मिल सकती है. कई बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं इस प्रकार से, और यहाँ करके ऐसे करके एक बैटरी जोड़ दी. सीरीज का मतलब क्या है, सीरीज का मतलब है कि जहाँ से एक रेजिस्टेंस का एंड खत्म होता है वहाँ पे दूसरे रेजिस्टेंस का एंड कनेक्ट हो जाएगा, फिर उसका जो एंड, दूसरे रेजिस्टेंस का जो दूसरा एंड खत्म होगा वहाँ पे अगला जो रेजिस्टेंस है उसका शुरू हो जाएगा. मतलब 1/1 चलते चले जाएंगे. सीरीज का मतलब इस प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन ऐसे मिलना ज़रूरी नहीं है. आपको मेनली फोकस किस पे करना है, मतलब अगर आपने यहाँ से एक पाथ पकड़ लिया, ये एक रास्ते से चल रहे हो तो कंटिन्यू उसमें बैंड आ सकते हैं, बट वो रास्ता आपके पास एक ही रहता है, नंबर ऑफ वेज नहीं बनते, उसको हम बोलते हैं सीरीज कम्बिनेशन. ओके, तो सीरीज में करंट सभी का सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सभी का क्या होता है, अलग अलग होता है. अब आप सोचोगे कि पोटेंशियल डिफरेंस सभी का अलग क्यों होता है, उसका भी एक रीजन है. देखिए आई सभी में सेम आया और ओम्स लॉ से वी इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर होता है. आर हर रेजिस्टेंस का अलग अलग है, मतलब सबका रेजिस्टेंस क्या है, अलग अलग है. आर अगर चेंज हो जाएगा तो वी भी चेंज हो जाएगा. ओके, तो सबसे पहले हम आई निकाल लेते हैं. आई इज इक्वल टू होता है वी डिवाइड बाई आर. वी आपके पास हुआ 12 और आर कितना हो गया 3 और 3, 6, दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर. तो जो करंट है वो कितने का है, 2 एम्पियर का है. इसके पोटेंशियल को आपके V1 कंसीडर कर लो, इसको V2 कंसीडर कर लो और इसको V3 कंसीडर कर लो. अब V1 कितना हो जाएगा, V1 हो जाएगा IR1
दैट इज इक्वल टू 2 × 1 दैट इज इक्वल टू 2 वोल्ट. V2 कितना हो जाएगा? IR2 2 × 2 दैट इज इक्वल टू 4 वोल्ट. एंड V3 कितना हो जाएगा? IR3 दैट इज इक्वल टू 2 × क्या है? 3 दैट इज इक्वल टू 6 वोल्ट. अब एक बात ध्यान दें, इन सभी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसने दिया? इस बैटरी ने दिया. इसका मतलब इनका सम V1 प्लस V2 प्लस V3 किसके बराबर आना चाहिए? इसके बराबर आना चाहिए. तो आप सम करके देखो, 4 + 2 = 6 और 6 कितना हुआ? 12. तो 12 वोल्ट की बैटरी थी. ओके, ये हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन 3.5. एट रूम टेम्परेचर, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आप रीड करें, तब तक मैं बोर्ड को साफ करता हूं. एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर यहाँ पे गिवन है, मैं इसको T1 कंसिडर कर लेता हूँ. ये है 27 डिग्री सेल्सियस. द रेजिस्टेंस ऑफ ए हीटिंग एलिमेंट इज, इसको मैं RT कंसिडर कर लेता हूँ. R रूम टेम्परेचर है, इसको मैं R0 मान लेता हूँ. रूम टेम्परेचर वाले को जनरली हम R0 से ही कंसिडर करते हैं. यहाँ पे वो कितना है? 100 ओम है. तो दैट इज इक्वल टू 100 ओम. वाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट, हमें क्या निकालना है? T2 निकालना है. वाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी, मतलब इस टेम्परेचर के ऊपर RT जो हमारे पास मिला वो मिला 117 ओम मिला. गिवन दैट द टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ द मेटेरियल ऑफ द रजिस्टर इज, टेम्परेचर कॉफिशियंट की वैल्यू गिवन है अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, 1.70 × 10⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस. देखिए, पहले तो इस टेम्परेचर कॉफिशियंट के बारे में और इस रिलेशन के बारे में आप अच्छे से सुन ले. पहले क्या होता है, आपने देखा कि जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? तो जब भी मैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पूछता हूँ, जनरली बच्चे ओम्स लॉ से बताते हैं कि V/I. ठीक हो आप, V/I ही होता है. बट आप एक बात और ध्यान देंगे, जब हम ओम्स लॉ को ड्राइव कर रहे थे तो ओम्स लॉ को ड्राइव करने के दौरान जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आता है R = वो आता है ML / NE²A/τ. ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है गिवन वायर के लिए, जहाँ पे M है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, L है लेंथ ऑफ द वायर, N है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वायर, E आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, A क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर है, एंड tau इज द रिलैक्सेशन टाइम. ओके, यहाँ से आप देखते हो गिवन वायर के लिए, मान लीजिए आपके पास इस प्रकार की एक वायर है, ये वायर हो गई, तो इस वायर की लेंथ कॉन्स्टेंट हो गई, लेंथ कॉन्स्टेंट हुई गिवन वायर के लिए. उसमें हम एक बार एक वायर ले लिया तो उसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट. तो L कॉन्स्टेंट है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ये भी कॉन्स्टेंट हो गया, नंबर डेंसिटी भी कॉन्स्टेंट हो गया, M में E में कोई फर्क पड़ता नहीं. इसका मतलब हमें यहाँ से पता चला कि R जो होता है वो इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू होता है रिलैक्सेशन टाइम. R इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम होता है, ठीक है. और जो रिलैक्सेशन टाइम होता है वो इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है. रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है. क्यों? रिलैक्सेशन टाइम का मतलब, जब आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ रहे थे तो आपने क्या देखा था कि रिलैक्सेशन टाइम इज द टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन. एक कोलिजन होता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो नेक्स्ट कोलिजन करता है उनके बीच में जो टाइम उसको लगता है, दैट इज नोन एज द रिलैक्सेशन टाइम. अब क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो इंक्रीज, सो वेलोसिटी इंक्रीज सो टाइम डिक्रीज, है ना. एक गिवन डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए अगर स्लोली चल रहा है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, और अगर उसकी वेलोसिटी को आप इंक्रीज कर दोगे वो फास्टली मूव करेगा तो उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसको कम टाइम लगेगा. इसका मतलब हुआ अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ तो रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज हो जाता है. इन दोनों को अगर आप कंबाइन करते हो तो आपको पता चलता है कि R जो होता है वो डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है. R डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू टेम्परेचर, इट मीन इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर देन रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीज. बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, ध्यान रखना, और उस एक्सेप्शन के ऊपर एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछा जाता है. एक्सेप्शन क्या है? R डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू T, इट इज ओनली फॉर द मेटल्स. ध्यान रखना, किसके लिए है ये? ओनली फॉर मेटल्स, ये मेटल्स के लिए है ओनली, ठीक है ना.
सेमीकंडक्टर्स के लिए नहीं है। अगर आप सेमीकंडक्टर का केस लेंगे तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, किसके लिए? सेमीकंडक्टर्स के लिए। और ये एग्जाम में पूछा जाता है, वन मार्क्स क्वेश्चन, ये किसके लिए है? सेमीकंडक्टर्स के लिए होता है। सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टेंस अगर आप इंक्रीज करते हो, सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज कर देते हो तो उनका रेजिस्टेंस डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। अगर मैं एब्सोल्यूट जीरो की बात करूं, एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के ऊपर जो होता है वो इनका जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट हो जाता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो सेमीकंडक्टर होते हैं, इंसुलेटर। ठीक है, अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो कंडक्टिंग प्रॉपर्टी उनमें आनी शुरू हो जाती है। ये हमारे पास सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की लास्ट यूनिट है, उसमें डिस्कस करेंगे डिटेल से। आपको यहाँ ध्यान देना है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैं रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूँ एक बार, है ना, कहीं रिकॉर्डिंग बंद ना हो गई हो। हाँ, कंटिन्यू है, ठीक है, ओके। तो आपने यहां से क्या देखा कि R जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए आपके पास पहले टेम्परेचर कुछ था, मान मैं रूम टेम्परेचर की बात कर लूँ, 27 डिग्री था, तो R की वैल्यू कुछ और थी। 27 से अगर आप 100 डिग्री कर दोगे और ज़्यादा कर दोगे तो इसका मतलब R चेंज होने वाला है। और इसका एक रिलेशन आपके पास होता है, आर टी इज इक्वल टू आर नोट इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। इनका मतलब क्या, ध्यान से सुन लेना, आर टी ये है रेजिस्टेंस एट गिवन टेम्परेचर, गिवन टेम्परेचर है तो आप इसको गिवन तो नहीं बोल सकते, मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि जिस टेम्परेचर पे मुझे रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। जैसे यहां पे इसने क्या बोला, ये टी टू, इस टी टू पे मुझे फाइंड आउट करना था, तो ये उसका रेजिस्टेंस है। आर नोट है वो है आर एट रूम टेम्परेचर, जनरली तो इस फॉर्मूले में रूम टेम्परेचर ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मान लीजिए आपके पास ये इनिशियली रूम टेम्परेचर नहीं हो, कोई और टेम्परेचर हो, 27 डिग्री के बजाय मान लीजिए 30 डिग्री होता, 35 होता, तो इसको मैं रूम टेम्परेचर या मैं इनिशियल बोल देता, आर एट इनिशियल टेम्परेचर, जो स्टार्टिंग टेम्परेचर था उसका ये है, और इसको बोल देंगे R एट फाइनल टेम्परेचर। क्योंकि देखो न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए जो फॉर्मूला होता है ना उसको आपको डीपली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अगर उसकी डीपली अंडरस्टैंडिंग है तो इजीली आप न्यूमेरिकल को सोल्व कर देते हो, फिर कोई दिक्कत नहीं आती। जनरली न्यूमेरिकल सोल्व करने में यही दिक्कत आती है कि बच्चे को फॉर्मूला अच्छे से याद नहीं है, और अगर फॉर्मूला याद है तो उसके मतलब उसको याद नहीं है, तो इसलिए वो न्यूमेरिकल सोल्व नहीं कर पाता है, बाकी न्यूमेरिकल कोई बड़ी बात है नहीं। यहां आप देखेंगे अल्फा जो है वो टेम्परेचर कोफिशियंट है, और डेल्टा टी जो है वो है टी टू माइनस टी वन, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर का जो भी डिफरेंस होता है वो डेल्टा टी होता है। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। यहाँ पे क्या पूछा है, टी टू पूछा गया है, तो मतलब इस फॉर्मूले को यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, आर टी इज इक्वल टू आर नोट इन टू वन प्लस अल्फा, और ये हो जाएगा टी टू माइनस टी वन। ओके, ये क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहां से आपको क्या करना है, आर टी की वैल्यू आपको गिवन है, आर टी मतलब ये फाइनल टेम्परेचर वाला, आर नोट इनिशियल टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस गिवन है आपको, अल्फा गिवन है आपको, अल्फा की वैल्यू, टी टू फाइनल टेम्परेचर आपको फाइंड आउट करना है, टी वन इनिशियल टेम्परेचर है वो आपको गिवन है यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस, वैल्यूज यहाँ पे पुट करें आपके पास आ जाएगा। ओके, और यहां से आप एक फॉर्मूला और भी नोट कर लें, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट, क्योंकि क्या होता है कि अगर हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता हो तो टाइम बच जाता है हमारा, जब हम खासकर जब कंपटीशन एग्जाम दे रहे होते हैं तो टाइम की बहुत वैल्यू होती है। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आप नोट कर सकते हो, जैसे आपके पास आर टी इज इक्वल टू क्या आया, ये आया आर नोट इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी आया, है ना। अल्फा अगर आपको निकालना हो तो क्या हुआ, पहले सोल्व कर लो आप यहीं पे इसको, आर टी इज इक्वल टू क्या हुआ, आर नोट प्लस आर नोट अल्फा डेल्टा टी, सोल्व करेंगे ये आपके पास आएगा आर टी माइनस आर नोट इज इक्वल टू आएगा आर नोट अल्फा डेल्टा टी, और अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा आर टी माइनस आर नोट डिवाइडेड बाई आर नोट डेल्टा टी। अगर आप इसकी यूनिट की बात करेंगे तो ये रेजिस्टेंस का डिफरेंस है, ओम में आने वाला है, ये ओम में आने वाला है, ओम से ओम कैंसिल हो जाएगा, तो वन बाई टेम्परेचर, वन बाई टेम्परेचर मतलब इसकी जो यूनिट आएगी
पर डिग्री सेल्सियस आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ए नेग्लिजिबली स्मॉल करंट, मैं बोर्ड को साफ करता हूं, तब तक आप इसकी स्टेटमेंट को पढ़े अच्छे से। देखिए क्या है, ए नेग्लिजिबली स्मॉल करंट इज पास्ड थ्रू ए वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर। वायर की लेंथ गिवन है, एल इज इक्वल टू 15 मीटर एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया भी गिवन है, ए इज इक्वल टू कितना है 6.0 इंटू 10 रेज टू पावर -7 मीटर स्क्वायर एंड इट्स रेजिस्टेंस इज मेजर टू बी, और इसका जो रेजिस्टेंस आया कैपिटल और जिसको रिप्रेजेंट करते हैं वो आया 5.0 ओम। व्हाट इज द रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एट द टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट, मतलब टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि टेम्परेचर कांस्टेंट था उसके ऊपर आपको रेसिस्टिविटी निकालनी है। तो देखिए क्या फॉर्मूला होता है, आपने एक थ्योरी बताता हूँ इसके ऊपर, थ्योरी का पॉइंट भी आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। ओके, अगर इन फैक्टर्स को कंबाइन करें तो आर प्रोपोर्शनल टू एल डिवाइडेड बाई ए होता है। क्या होता है, एल डिवाइड बाई ए, वेयर एल इज द लेंथ, ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, और ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई ए होता है। ओके, अगर आपको यहाँ से रेसिस्टिविटी निकालनी हो रो इज इक्वल टू, तो वो हो जाएगी आर ए डिवाइडेड बाई एल, इक्वल टू आर ए बाई एल। एक बात ध्यान देना, यहाँ से कन्फ्यूजन पॉइंट है और बच्चे बहुत कन्फ्यूज रहते हैं उसके अंदर। जैसे आपने देखा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, कंबाइन किया फैक्टर ने, तो यहाँ से मुझे रेसिस्टिविटी मिलती है आर ए बाई एल। कई बार क्या होता है, अगर आपसे कहा जाए कि अगर कोई वायर है आपके पास और वायर की लेंथ को मैं इंक्रीज कर देता हूँ, क्या कर देते हैं वायर की लेंथ को इंक्रीज कर दें, तो बताइए रेसिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो बच्चे क्या देखते हैं कि रेसिस्टिविटी लेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, ऐसा वो सोचते हैं, गलत है। सही क्या है, अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाओगे तो ठीक लग रहा है ना, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाते हैं तो क्या लगता है, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, तो मतलब रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, ए है एंड एल है ना। लेकिन एक बात आप ध्यान देंगे, आर जो होता है वो खुद भी तो ए और एल पे डिपेंड करता है कि नहीं। फॉर्मूले में अगर आप देखोगे आर का जो रियल फॉर्मूला होता है वो होता है एम एल डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर ए टो, ये फॉर्मूला होता है रियल में। आर का जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एम एल डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर ए टो। अगर इस फॉर्मूले को आप यहाँ पुट करेंगे तो रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या आएगा आपके पास, वो आपके पास आएगा आर की वैल्यू पुट कर देते हैं एम एल डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर ए टो, और ये हो गया ए बाई एल। हम देखते हैं यहाँ से एल कैंसिल हो जाता है, ए से ए कैंसिल हो जाता है, तो ये रिजल्ट हमारे पास आता है एम डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर टो। और इस रिजल्ट में आप देखोगे रेसिस्टिविटी का एक्चुअल जो फॉर्मूला है वो ये है एम डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर टो। यहाँ पे मास जो होता है वो किसी पे डिपेंड नहीं करता, इलेक्ट्रॉन का मास कॉन्स्टेंट होता है, पता है आपको। नंबर डेंसिटी गिवन मटेरियल है, गिवन मटेरियल की रेसिस्टिविटी की बात कर रहा है तो वो कॉन्स्टेंट है, ई ऑलवेज कॉन्स्टेंट होता है, और क्वेश्चन में गिवन टेम्परेचर बोलता है तो गिवन टेम्परेचर पर रिलैक्सेशन टाइम भी क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। इसका मतलब हुआ अगर मैं एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ाता हूँ, लेंथ को इंक्रीज करता हूँ, डिक्रीज करता हूँ, तो वो जो फैक्टर्स होते हैं वो रेसिस्टिविटी को किसी भी तरह से इफेक्ट नहीं करते। रेसिस्टिविटी मतलब रेसिस्टिविटी ए और एल की उससे चेंज नहीं होती, रेसिस्टिविटी सिर्फ दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, पहला टेम्परेचर जिसके ऊपर रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड करता है, और दूसरा एन नंबर डेंसिटी, और नंबर डेंसिटी डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर। इसका मतलब रेसिस्टिविटी होती है वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, अगर आप जब तक मटेरियल को चेंज नहीं करेंगे रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, इस बात को ध्यान रखना है आपको। ओके, इसका मतलब रेसिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, किस पे, एक तो नेचर ऑफ मटेरियल पे और दूसरा टेम्परेचर पे। इस क्वेश्चन में रेसिस्टिविटी एल गिवन है आपको, ए गिवन है, आर गिवन है, इस क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, रिजल्ट आपका आ जाएगा। ये मैंने आपको इसके लिए एक्सटर्नल इसलिए बताया क्योंकि बच्चे इस फॉर्मूले को लेकर कई बार कंफ्यूज रहते हैं और गलत आंसर लिख देते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले एक बार मैं फिर से रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूँ, तब तक आप स्टेटमेंट को स्टडी करें।
चल रही है रिकॉर्डिंग अभी, ओके ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 है, ए सिल्वर वायर है जे रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम एट 27.5 डिग्री सेल्सियस एंड ए रेजिस्टेंस ऑफ 2.7 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस, डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेसिस्टिविटी ऑफ द सिल्वर। देखो रेसिस्टिविटी का टेम्परेचर कोफिशिएंट पूछा है आपको। अभी अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था, आर टी इज इक्वल टू होता है आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और डेल्टा टी की वैल्यू थी टी टू माइनस टी वन। ये था टेम्परेचर कोफिशिएंट किसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए। और यहाँ पे इस केस में आपको क्या कहा है, इसने रेसिस्टिविटी का पूछा है, तो सेम फॉर्मूला रेसिस्टिविटी के लिए हो जाएगा, रो टी इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा और डेल्टा टी। ओके आप सोचोगे कैसे आया, सिंपल है, ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, ये फॉर्मूला है ना। आर का फॉर्मूला क्या होता है, आर का फॉर्मूला होता है रो एल डिवाइडेड बाई ए, तो आर टी को मैं क्या लिख दूंगा, रो टी एल बाई ए इज इक्वल टू आर नोट को क्या लिख सकता हूँ, रो नोट एल डिवाइडेड बाई ए और वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, एल कैंसिल एल ए कैंसिल ए, यही फॉर्मूला आ गया। ओके ऐसे करके याद कर लेंगे, रटा मारने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया, सारी वैल्यूज गिवन है, सभी वैल्यूज आपके पास गिवन है, फॉर्मूले में रखेंगे रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। एक बात ध्यान देना यहाँ पे इसने क्या लिखा है, सिल्वर वायर है जी रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम, रेजिस्टेंस दे रखा था 2.1 ओम, आर टी आर नोट यही फॉर्मूला लगेगा डायरेक्ट। ओके यहाँ पे जो अल्फा निकलेगा आप यहाँ से देख रहे हो, रो नोट की रेसिस्टिविटी के लिए निकालो चाहे रेजिस्टेंस के लिए निकालो, अल्फा क्या होता है सेम होता है क्योंकि मटेरियल वो सेम है ना, तो उस मटेरियल के लिए वो सेम वैल्यू रहेगी। क्वेश्चन नंबर 8, ए हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू 230 वोल्ट सप्लाई ड्रॉज एन इनिशियल करंट ऑफ 3.2 एम्पीयर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 8 वोल्टेज सप्लाई है वी इज इक्वल टू 230 वोल्ट ड्रॉज एन इनिशियल करंट ऑफ आई इज इक्वल टू 3.2 एम्पीयर विथ सेटल आफ्टर फ्यू सेकेंड्स टू ए स्टडी वैल्यू ऑफ 2.8 एम्पियर। आई वन इतना है और कुछ देर के बाद वो करंट स्टडी हो जाता है, आई टू इज इक्वल टू वो हो जाता है 2.8 एम्पियर। वाट इज द स्टडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट, ये जो टेम्परेचर था टी टू वो मुझे बताना है कितना है ऑफ हीटिंग एलिमेंट। इफ़ द रूम टेम्परेचर इज, इनिशियल टेम्परेचर जो था मैं यहाँ लिख देता हूँ, टी वन इज इक्वल टू कितना है 27 डिग्री सेल्सियस है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द नाइक्रोम एवरेज्ड ओवर द टेम्परेचर रेंज इन्वॉल्वड इज, और इसका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है अल्फा इज इक्वल टू वो है 1.7 इंटू 10^-4 पर डिग्री सेल्सियस। तो आपको अनुमान तो लग ही गया होगा इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, कैसे सोल्व करोगे इसको। देखो सिंपली सभी बात आपको गिवन है, छोटा सा एक कैलकुलेशन एक्स्ट्रा आपको करना है, V गिवन है, I गिवन है, T1 गिवन है, I2 गिवन है, T2 गिवन है, अल्फा निकालना है। कैसे निकालेंगे, अब देखो सिंपली बात है, अगर आपको T2 निकालना है अल्फा गिवन है तो फॉर्मूला तो यही लगने वाला है, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा और डेल्टा टी, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब आप आर टी फाइनल टेम्परेचर जो है टी टू के ऊपर, आई टू गिवन है, आई टू गिवन है ना, वी यहाँ से है, तो आर टी मतलब यहाँ पे इस हिसाब से टी टेम्परेचर के ऊपर मैंने इसको आर टू लिखा हुआ है, तो आप इसको फॉर्मूले में अपनी समझ के लिए इसको आर टू लिख सकते हो और इसको क्या लिख सकते हो आर वन लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे क्योंकि गिवन टेम्परेचर का यहाँ पे मैंने आई टू टी टू मान रखा है तो उसको आर टू मान लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर क्या होता है वी अपॉन आई, तो ये हो जाएगा 230 और डिवाइड बाई आई टू कितना है 2.8 इज इक्वल टू आर वन, अगर आपको निकालना है तो वी अपॉन आई वन ये हो जाएगा 230 और आई वन कितना है 3.2 इंटू 1 प्लस अल्फा की वैल्यू गिवन है आपके पास 1.7 इंटू 10^-4 और डेल्टा टी को हम लिख सकते हैं T2 माइनस T1, क्या लिख सकते हैं T2
माइनस टी वन, टी वन की वैल्यू गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो गया 27 डिग्री सेल्सियस। सोल्व कर देंगे है ना, अल्फा के लिए इसको सोल्व कर देंगे तो यहाँ से आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो इस प्रकार से हमने ये 8 क्वेश्चन सोल्व किए हैं, और इनमें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सिर्फ क्वेश्चन ही सोल्व नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन सोल्व करने के साथ साथ उसमें जितना भी कॉन्सेप्ट है सारे के सारा हम डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अपने दोस्त के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा मिल जाए, और शेयर करने में जो है ना किसी प्रकार की कंजूसी ना करें। अगर आपको लग रहा है कि फ़ायदेमंद है तो अपनी क्लास के साथ भी शेयर करें ताकि आपको भी पता चले कि वो बच्चा कितना स्टडी कर रहा है, आप कितना स्टडी कर रहे हो, और उसे कुछ हमारे चैनल का ही फ़ायदा हो जाएगा, है ना। इतना तो आप कर ही सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम जो क्वेश्चन नंबर इस 8 से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में इस पूरी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज उसको हम सॉल्व कर देंगे। ओके,